इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक अब तक 2 करोड़ करदाताओं ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। कई लोग खुद रिटर्न फाइल करते हैं तो कई लोग सीए से करवाते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं। अक्सर कुछ लोग जो खुद फाइल करते हैं वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से रिटर्न फॉर्म भरने पर कई तरह के बदलाव की वजह से इनकम टैक्स विभाग की ओर से उनको नोटिस मिल जाता है, क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती हैं। आईटीआर भरने में कुछ चूक आपसे भी हुई होगी तो आपका भी पैसा फंस जाता है, यानी कि पैसा रिटर्न नहीं मिलता। ऐसे में हमने भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता से जाना कि इस दुविधा को कैसे दूर करें। नोटिस का देना होगा जवाब। इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 1431 के तहत भेजता है। विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का टाइम देता है। आईटीआर में भरी डिटेल को लेकर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होते हैं। अगर पैसा आपका फंस गया है तो घबराने के बजाय आपको इस नोटिस का सही से और संतुष्ट जवाब देना होगा आपको और डिटेल उपलब्ध कराना होगा, तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न का पैसा वापस भी कर सकता है। टैक्स मामलों की जानकार और भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता का कहना है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। विभाग अक्सर आपसे हुई चूक को लेकर डिमांड नोटिस भेजता है। नोटिस मिलने पर किसी एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हैं। आप अपनी सभी डिटेल और उसके डॉक्यूमेंट तैयार करें, फिर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना जवाब दाखिल करें। कितने दिन में देना होता है जवाब? 30 दिन में आपको जवाब देना होता है। इनकम टैक्स विभाग ज्यादातर डिमांड नोटिस सेक्शन 1431 के तहत भेजता है। आपके रिटर्न में अगर कोई दिक्कत पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग धारा 139(9) के तहत नोटिस भेजता है। नोटिस जारी होने के बाद विभाग आपको जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन पूरा 1 महीना देता है और इस समय में आपको नोटिस का जवाब देना होता है। इस डेडलाइन के भीतर आप अपने बकाए और आईटीआर के संबंध में सभी डिटेल लेकर सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं और इस नोटिस का जवाब दें, ताकि आपको आपका जो पैसा है वो ना रुके और आपके खाते में आ जाए।